नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नई दुनिया पुरानी बातें पर। आज 14 जून है और हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार वर्ष 2004 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। 14 जून को नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंड स्टेनर का जन्म हुआ था और इन्हें ही ए बी और ओ ब्लड ग्रुप खोजने का श्रेय जाता है। ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने वाले कार्ल लैंड स्टेनर के जन्म दिवस के दिन ही विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस खोज के लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना ग्रुप के जानकारी के ही होता था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है एक व्यक्ति से ब्लड लेकर दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शरीर में रक्त की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसकी जरूरत अक्सर शरीर में रक्त की कमी होने पर पड़ती है। जो लोग अपनी मर्जी से बिना पैसे लिए स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं और किसी बीमार व्यक्ति की जान बचाते हैं, उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए और नियमित रक्तदान की जरूरत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।